एक दूजे के वास्ते। चले आज ना मेरा बाइक चलाने का मन हो रहा है, एटलीस्ट ट्राई कर सकती हूँ। व्हाट से? इसके पहले कभी स्कूटी भी चलाई है? नहीं। फिर कैसे चलाओगी? एक तो तुम हो इतनी नाजुक और ऊपर से जिपाई कितनी भारी, कैसे संभाल ली होगी? और अगर गिर भी गई तो मुझे बहुत सारी गालियां बोलोगी, श्रवण मियां हमको मार डालेंगे, वो अलग। इसीलिए कह रही है अब चलते। आई सही है, तुम बैठो यहाँ, हम तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय और कुछ बढ़िया सा खाने को लेकर आते हैं। बैठो ना, बढ़िया से मौसम का मजा उठाओ। हम यू गए और यू आए हैं, और हाँ मियाँ एकदम गरम गरम कड़क चाय और बढ़िया समोसे भिजवा दियो। और बस जीरा दो मिनट हम लोग। कंचा, कंचा जी क्या कर रही हो? तुमको मना किया था ना बाइक नहीं चलाना। कंचा उतर जाओ, कंचा कोई गियर वगैरह लगा दोगे गिर जाओगी। अगली बार जब तुम बाइक चलाओ तो दीवार के पास तुम्हारा सर फोड़। ऑटो? अरे कहाँ कहाँ जा रही हो कंचा? कंचा रुको। मेजर सुमन, सर आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों को इंस्पायर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंपटीशन में हिस्सा लें, जीत की कोशिश करें, और आपसे एक मैच नहीं जीता जा रहा है। जी सर। देखिए मैं समझता हूँ, एडीसी बनने के बाद आपके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ गया है और उस दिन आपने दूसरे ऑफिसर को रिलीव करके खुद नाइट ड्यूटी कर ली। देखिए पहला ऑफिसर की मदद करना अच्छी बात है, पर अपनी रेजिमेंट के लिए जीतना भी तो जरूरी है मेजर सुमन। आप प्रैक्टिस मैच हार रही हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। यस सर। सर एक्चुअली ये काफी टफ गेम था, मेजर सुमन ने तो मेरे लिए भी जीतना काफी मुश्किल कर दिया था। मेजर सुमन अपने काम को लेकर काफी फोकस्ड और डिसिप्लिन है सर, और मैं गारंटी देता हूँ ये काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम अपने सभी ऑफिसर से यही एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? यस सर। चलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। सर सही तो कहा गुजराल सर ने, मेरी गेम इंप्रूव होने के बजाय दिन पर दिन बिगड़ी तो रही है। सुमन तुम जिस चीज पे फोकस करती हो उसमें हमेशा अपना बेस्ट देती हो, और गुजराल सर तुम्हें उतने अच्छे से नहीं जानते जितने अच्छे से मैं जानता हूँ।
लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम चाहो और पाना सको। इनफैक्ट तुम तो मुझे मोटिवेट करती हो यार, तो खुद पे डाउट क्यों कर रही हो? बाय द वे, हमारे सुवन पैट का कारपेट काफी अमेजिंग है। हो गए तुम्हारे नखरे पूरे? हाँ हो गया। वो क्या है ना कि मैं अपनी बीवी और उसके नखरों के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता हूँ। दुनिया की किसी भी रूल बुक में ये तो लिखा नहीं कि नखरों पर सिर्फ बीवियों का कॉपीराइट है। तो अभी मेरे पति देव सब नखरे करेंगे या मेरे साथ शॉपिंग करने भी चलेंगे? जैसे मेरी बीवी कहे। परफेक्ट। तो मैंने एक दुकान भी देखी है जहाँ हमें हमारे कमरे के लिए कबर्ड मिल सकता है। कमरे के लिए नहीं, हमारे लिए। हमारे लिए। हमारे लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.